हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको वोकैब में एंटोनिम और इडियम्स के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसमें साथ में ही मैंने ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जिन्हें मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्या करना है फ्रेंड्स? फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें करेक्ट वर्ब भरना है। इन चारों में से करेक्ट भरना है, जो भी करेक्ट हो। यहाँ पे कंफर्म है कि वांट से ही रिलेटेड कुछ भरा जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, वांट एक ऐसी वर्ब है जिसे कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हम बोलें कि ही इज़ वांटिंग टू ब्रिंग सम फ्लावर फॉर यू, मतलब कि वह आपके लिए कुछ फूल लाना चाह रहा है, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वांटिंग नहीं होता है। तो आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि वांटिंग नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, अब बचा हमारा दो ऑप्शन, वांट और वांट्स। इस दोनों में से कौन सा सही होगा? तो आप देखेंगे द हेडमास्टर क्या फ्रेंड्स सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, जो कि वांट्स है। फ्रेंड्स, वांट्स सिंगुलर वर्ब है, इसलिए हम इसके साथ वांट्स का यूज़ करेंगे। आप प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस में पढ़े होंगे अगर, तो आपको पता होगा सिंगुलर नाउन के साथ दोस्तों हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो वांट्स कैसा है? सिंगुलर वर्ब है, तो हम वांट्स का यूज़ करेंगे इसके साथ। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा द हेड मास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। फ्रेंड्स, ये ऐसा रहेगा सेंटेंस, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है यार, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अब इसे हमें चूज करना है कौन सा वर्ब सही होगा इसमें से। अब देखिए, यहाँ पर लास्ट वीक आया है। क्या आया फ्रेंड्स? लास्ट वीक। तो लास्ट वीक का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, मतलब कि पीछे बीते हुए बातों, पीछे जो भी बीत चुका उसकी हम बात कर रहे हैं, पिछले वाले सप्ताह की बात कर रहे हैं। यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, किसकी बात कर रहे हैं? लास्ट का मतलब क्या हो गया? जहाँ कभी भी। फ्रेंड्स, आप एक बात याद रखें कि जहाँ कभी भी लास्ट आए, तो इसका मतलब हम किसका बात कर रहे हैं? पास्ट वाली, मतलब पास्ट चीज़ का बात कर रहे हैं। मतलब अगर समय में लास्ट का यूज हो, जैसे कि लास्ट वीक, लास्ट डे, तब वहाँ पे हम मानेंगे कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। लेकिन अगर कोई बोले कि द लास्ट पेन, ऐसा नहीं, मतलब अंतिम किताब, अंतिम बुक, तो ऐसा अंतिम पेन ऐसा कोई बोले, तो वहाँ पे नहीं ऐसा दोस्तों मानेंगे। लेकिन यहाँ पे टाइम में मानेंगे कि यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, पास्ट टेंस में कौन सा नहीं है? देखिए, यह तो नहीं है, और फ्रेंड्स यह भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। और देखिए, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी ऐसा आए कि आई अ न्यू, मतलब जब भी कुछ ऐसा खाली रहे, लास्ट वीक की बात हो, तो इसके लिए हम पास्ट टेंस का तो यूज़ करेंगे, लेकिन हम पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इनडेफिनिट टेंस दोनों में से हम पास्ट इनडेफिनिट को प्रीफर करेंगे। फ्रेंड्स, इस बात को आप याद रखेंगे। तो लास्ट वीक के साथ किसका यूज करेंगे? आई बाट अ न्यू साइकिल लास्ट वीक, तो बाट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बाट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बाट जो है बाई का सेकेंड फॉर्म है। बाई का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बाई का मतलब क्या होता है खरीदना होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह रहा, देखिए अभी फिलर से है। अब इसमें क्या बताना है, इसमें भी एक वर्ब भरना है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, लीड का मतलब क्या होता है? नेतृत्व करना। आप जानते होंगे कि सब बोलते हैं कि वह लीड कर रहे हैं, इस पार्टी को लीड कर रहे हैं, या फिर इस मतलब परेड को लीड कर रहे हैं। तो उसे वहाँ पर हम यूज करते हैं, मतलब कि वह इस पार्टी को नेतृत्व कर रहे हैं, या फिर वह इस पार्टी का मतलब वह इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं। तो लीड का मतलब क्या होता है? नेतृत्व करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, द फेथफुल डॉग लीड का तो यूज होगा, पता है हमें। लेकिन अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ब्लाइंड मास्टर दिया है, तो लीड का मतलब वो, इसमें तो हम कन्फर्म है कि लीड का यूज होगा। तो
तो हमें चूज करना है इसमें से कौन सा यूज होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम किसी बीती हुई घटना की बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं, देखिए तब आप बोलेंगे, अगर आप इसका सही मायने मायने में अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा कि उस वफादार कुत्ते ने अपने अपने माल अपने अंधे मालिक का नेतृत्व किया, मतलब उनके आगे आगे चला। तो फ्रेंड्स इसका सेंस क्या रहा है, पास्ट इनफिनिट टाइप का सेंस आ रहा है, पास्ट इनफिनिट टेंस का सेंस आ रहा है। फ्रेंड्स देखिए, लीड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, लीड का सेकेंड फॉर्म लेड होता है। फ्रेंड्स लेड होता है सेकेंड फॉर्म, नेतृत्व किया होता है, तो लेड वाला सही हो जाएगा ऑप्शन फ्रेंड्स, लेड का सही हो जाएगा। लीड का मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना, और लेड का मतलब नेतृत्व किया। वफादार कुत्ते ने अपने अंधे मालिक का नेतृत्व किया, यानी कि अपने अंधे मालिक के आगे आगे चला ताकि कोई आगे से आकर उन्हें चोट ना पहुंचा दे, ताकि उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यार देखिए फ्रेंड्स, यह भी फिलर से है और इसमें एक करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है, तो देखते हैं कौन सा सही है। आई प्रियर नहीं दोस्तों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे प्रीफर रहेगा, आप जानते होंगे यह काफ़ी फेमस शब्द है, प्रीफर रहेगा यहाँ पर, आप नोट कर लेंगे प्रीफर रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है आई प्रीफर टी कॉफ़ी। अब इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन सही है, तो आप जानते होंगे प्रीफर, वी ऑलवेज यूज टू प्रीपोजिशन विथ प्रीफर, मतलब हम प्रीफर के साथ हमेशा ही टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो आप इस बात को याद रखेंगे। प्रीफर हो या प्रीफरेबल दोस्तों, तो उन दोनों के साथ मतलब किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यार, हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड हिम ऑन दैट पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके जो मित्र हैं फ्रेंड्स, उसका विरोध किए, मतलब उसके साथ नहीं आए, उस मतलब उसने जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसने कुछ बात रखी तो उसके दोस्त जो थे उस बात को टाल दिए, उसका इनकार कर दिए। तो फ्रेंड्स जब भी आप एक बात याद रखेंगे, जब भी किसी इंसान की बात को एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं, देन वी यूज विथ, मतलब इंसान के लिए मतलब इंसान की बात को। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम उसके बिहेवियर को या फिर उसके मतलब कुछ ऐसा हो बिहेवियर या आप समझ लेंगे बर्ताव को अगर हम डिसएग्री करते हैं या फिर एग्री करते हैं, जैसे आई डिसएग्रीड एट इस बिहेवियर, मतलब उसके बिहेवियर पर मैं एग्री हो गया, तो फ्रेंड्स बिहेवियर के लिए एट का, और फ्रेंड्स इंसान के लिए फ्रेंड्स हम किसका यूज करेंगे, विथ प्रीपोजिशन का, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यारा देखिए अब इसे सही करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। आई एम ओब्लाइज टू यू, देखिए यहाँ पे टाइपिस्ट जो है अच्छे से टाइप नहीं किया है फ्रेंड्स, मैं नहीं टाइप करता हूँ, कोई दूसरा लड़का है वो टाइप करता है, तो अच्छे से टाइप नहीं करा है, तो यहाँ पे डैश रहेगा, तो यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, तो यहाँ पे चार मतलब डैश रहेगा, कुछ ऐसे खाली स्थान रहेगा, तो यहाँ पे भरना है कुछ। आई एम ओब्लाइज्ड टू यू योर काइंडनेस, यहाँ पे ठीक है, तो इसमें भरना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अगर इसका आप नॉर्मल सेंस निकालेंगे तो मैं आपके एहसान के लिए रेडी हूँ, मैं आपका आपके एहसान के लिए कृतज्ञ हूँ। तो फ्रेंड्स के लिए यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, के लिए, और इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, के लिए फ्रेंड्स मतलब इसमें कोलैब कर जा रहा है, आप थोड़ा समझ लेंगे, हम के लिए फार का यूज करेंगे, यहाँ पे आप सेंस आ रहा है के लिए, तो हम किसका यूज करेंगे, फार का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे समझ लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या बताना है, एंटोनिम बताना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ट्रांसपेरेंट का सेंस क्या होता है आप जान लें पहले, इसका मतलब होता है पारदर्शक होता है फ्रेंड्स, मतलब समथिंग ऑफ विच वी कैन सी, मतलब दोनों तरफ देख सकें,
मतलब बोथ साइड मतलब हम दोनों तरफ देख सकें, एक तरफ से दूसरा तरफ भी दिखे और दूसरे साइड से इस तरफ भी दिखे, जैसे हम शीशा को कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको हम पारदर्शक कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इसका एंटोनिम हमें बताना है। देखिए इसका एंटोनिम क्या होता है, इसका एंटोनिम होता है ओपेक फ्रेंड्स, ओपेक इसका एंटोनिम होता है। इसका मतलब क्या होता है, अपारदर्शक, अपारदर्शक फ्रेंड्स। इसका एंटोनिम क्या होता है, अपारदर्शक, अपारदर्शक, ओके फ्रेंड्स, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब एक एक वर्ड यहाँ पर क्या है, एक वर्ड यहाँ पर है पीप, पीपिंग देख रहे होंगे आप, एक वर्ड है पीपिंग। इसका मतलब क्या होता है आप जान लें, पीप का मतलब क्या होता है, पीप का मतलब होता है झलक दिखलाना। अब आप उस गाने को मत याद करिएगा, झलक दिखलाना मतलब झलक दिखलाना या फिर झाँकना उकना, ये ऐसा मीनिंग होता है इसका। और आप सीन थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ से होकर देखना, ओके फ्रेंड्स। और ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा या रुकावट होता है इसका मतलब, ओके फ्रेंड्स। चलते हैं अब नेक्स्ट वाले पर, क्वेश्चन पर। देखिए इसको भी हमें बताना एंटोनिम, आप इसका भी बताएंगे। देखिए ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब क्या होता है, बहादुरी, ब्रेवरी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बहादुरी। अब आप बताएंगे बहादुरी क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव, नाउन है या एडजेक्टिव फ्रेंड्स, आप बताएंगे नाउन है या एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स यह क्या है, यह है एडजेक्टिव। बहादुरी किसी के क्वालिटी को बता रहा है, तो बहादुरी क्या है, बहादुरी इज़ एन एडजेक्टिव वर्ड। अब आप देखेंगे इसमें टिमिड, टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है आसानी से डरने वाला, टिमिड का मतलब क्या होता है, आसानी से डरने वाला या डरपोक। और कावर्डाइस का मतलब क्या होता है, कायरता, कावर्डाइस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कायरता होता है, कावर्डाइस का मतलब कायरता होता है। और फ्रेंड्स ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, ब्रेवरी का मतलब बहादुरी होता है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है एंटोनिम। तो बताइए बहादुरी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कायरता हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। बोल्ड का मतलब बहादुर और फियरफुल का मतलब डरपोक, ठीक है फ्रेंड्स, कावर्डाइस का हो जाएगा। और देखिए मैंने दोनों का मतलब एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो एक डिफरेंस ये है कि यह एडजेक्टिव है या नाउन है, और यह एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का एंटोनिम एडजेक्टिव ही होगा, ना कि नाउन, ओके फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यह रहा, नेक्स्ट वाला देखिए फ्रेंड्स, यह क्या है, यह है एक इडियम, क्या है फ्रेंड्स, एक इडियम, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें बताना है अर्थ, अर्थ बताना है फ्रेंड्स। तो आप बताएंगे कौन सा सही होगा, तो आप बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा, आप पहले खुद से ट्राई करिएगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो टू टच टू एग्जैक्ट पॉइंट, यह सही हो जाएगा, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट पर जाना, तो उसे कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ओके फ्रेंड्स। अभी इस वीडियो में मैंने कुछ मतलब कम क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन जैसे जैसे मतलब थोड़ा टाइम और स्पेंड होगा तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी वर्ड्स रखूँगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी कमी हो वीडियो में तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।